हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए बिल्कुल हैं, बिल्कुल उसमें हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं, क्योंकि आंसर गेस तो आपने सभी ने मैच कर ली होगी। अब आप लोगों के माइंड में जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि टोटल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितने में सिलेक्शन है, कितने में नहीं है। उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं शालिनी यादव अपोजी कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सारी इन्फॉर्मेशंस मैं अभी आपको दूंगी, बट उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हरियाणा ग्रुप डी में टोटल वैकेंसीज कितनी निकाली थी हरियाणा गवर्नमेंट ने, वो थी 18,218। लगभग 18,000 थी, लेकिन एग्जैक्ट थी 18,218 वैकेंसीज। अब उसमें कितने एप्लीकेशंस अप्लाई की थी, कितने उम्मीदवारों ने उसमें अप्लाई किया था, तो वो थे टोटल 18 लाख कैंडिडेट जिन्होंने उसमें अप्लाई किया था। अब अप्लाई तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन सारे एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते। तो जो एग्जाम अटेंड किया था, जो वहां पे जाके पेपर जिन बच्चों ने दिया था, वो थे लगभग 15 से 16 लाख कैंडिडेट। तो यानी कि 2 लाख बच्चे, लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे तो आपके यहीं पे ही खत्म हो गए कंपटीशन में। ठीक है, अब बात आती है कि कंपटीशन में आप लोगों के पास कितने बच्चे बचे हैं। 16 लाख अगर हम लेके चलते हैं, 15 से 16 के बीच में लाई करता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, लेकिन लगभग 16 लाख हम लेके चल रहे हैं। तो जब 16 लाख कैंडिडेट्स हैं हमारे पास और वैकेंसीज हैं हमारे पास 18,218, तो हमारा जो कंपटीशन है वो लगभग 85 से 90 कैंडिडेट्स के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बात कि वैकेंसीज कितनी है, कितने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, और कितने हमारे सामने क्या है कि कंपटीशन कितने बच्चों में हमारा आता है। नेक्स्ट आपका, देखो आप लोगों को पता है कि एग्जाम प्रोसीजर क्या था। सबसे पहले आप लोगों का 90 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, है ना, जो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था। तो प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर क्या रहा है आपका, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार कि किस किस तरीके से आपको सिलेक्शन मिलेगा। सबसे पहला है आपका एग्जाम जो कि हो चुका है, जो कि हर बच्चा दे चुका है, 90 मार्क का है। ठीक है, अब उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते, तो दूसरा काम है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। पहला है एग्जाम, दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरा है इनका मेरिट लिस्ट। अब देखो एग्जाम है आपका कितने नंबर का, मेरिट लिस्ट सॉरी, एग्जाम कितने नंबर का था, 90 नंबर का, लेकिन ओवरऑल जो हमारी मेरिट बनेगी वो बनेगी 100 नंबर में से, 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। जो 10 नंबर इन्होंने, 90 प्लस 10 है, 90 का आपका एग्जाम हुआ था और 10 आपके इन्होंने मार्क्स देने हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये लोग वो मार्क्स देंगे, वो किस बेसिस पे दिए हैं, मेरिट लिस्ट की हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये तो पता लग जाए कि उन 10 नंबर में से आपको कितने मिलने वाले हैं, वो तो देखें एक बार। तो उन 10 नंबर में से कैसे इन लोगों ने डिवाइड किए हैं, देखो सबसे पहला है कि आपको मिलेंगे 5 नंबर अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, नो फैमिली मेंबर इन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, उसके बाद आपके 5 नंबर किसको मिलेंगे, उसके बाद 5 नंबर मिलेंगे किसको, जैसे सपोज करो कोई विडो है या फिर किसी के फादर नहीं है, कोई विडो हो या फिर इसी केस में ही, मतलब ये एक कैटेगरी तो ये रखी गई है, एक कैटेगरी इधर रखी गई है, विडो या फिर जिनके फादर नहीं है, लेकिन उसमें भी कंडीशन रख दी, वो या तो सेकंड बच्चा होना चाहिए, ठीक है, और उसके फादर की जो है डेथ वो 42 ईयर तक हो गई हो, या फिर उसकी एज, उस बच्चे की एज जो है वो 15 वर्ष या इससे पहले, ठीक है, उसका फादर एक्सपायर हो गया हो, तो आपको
पांच नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपके, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है पास्ट, अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे आपको मिलेंगे 0.5 मार्क्स पर ईयर। अगर सपोज करो आपका कितने साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1 साल के मिले 0.5, 2 साल का कितना मिल गया, 1 नंबर। लेकिन इस केस में ज्यादा से ज्यादा आपको 8 नंबर तक ही मिल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये नहीं आप 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे और 10 नंबर यहीं पे आपने ले लिए, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर मिलेंगे, 8। अब उसके बाद आता है आपका कि सब ज्यादा से ज्यादा, देखो अगर हम ऐसे चले तो 9 फैमिली मेंबर का आपका मिल गया 5 का, उसके बाद सपोज उसके बाद जैसे किसी फादर का, किसी सॉरी बच्चे का अगर फादर एक्सपायर हो रखा हो तो 5 यहां से मिल गए उसको, उसके बाद एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 8 यहां से मिल गए। तो ऐसा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो 10 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने का मिला बेनिफिट, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये बात थी आपकी कि जो 90+ जो 10 मार्क्स थे वो कैसे डिवाइड होंगे, सिर्फ 10 मार्क्स की बात थी, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट की हम एक बार बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट हमारी कैसे बनेगी। मेरिट लिस्ट में क्या है हमारा, कैटेगरी वाइज बनेगी, पता है आप लोगों को, है ना। तो जनरल के कितने पे बनेगी, देखो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि भाई आपके 45 आए हैं या आपके 50 आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बात कर रही हूं 100 मार्क्स में से, 90 की मैं बात नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट 100 मार्क की बात कर रही हूं, 100 मार्क की मैं बात कर रही हूं। उसमें से कट ऑफ कितनी रहेगी आपकी, जनरल कैंडिडेट की रहेगी 65 से 70 नंबर तक। उसके बाद है ओबीसी, ओबीसी में रहेगी आपकी लगभग 62 से 65 नंबर। उसके बाद रहेगी आपकी एससी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी रहेगी लगभग 57, ये 55 57 के आसपास रहेगी, 263। नेक्स्ट आपका अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसकी रहेगी 45 to 52, और कोई अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसकी रहेगी 50 to 55। ये वाला डेटा आपका हो सकता है थोड़ा सा कम भी चला जाए, ठीक है। ये है आपकी फाइनल लिस्ट जो रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के मार्क्स कितने जुड़ रहे हैं, और इसमें प्लीज एक बार चेक करना कि आप लोगों को कितने नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को 100 मार्क का टोटल बताया है, और वीडियोस में हो सकता है आपको 90 का पता लगे, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर जो जिस बेसिस पे मिलने वाले वो भी आप लोगों को पता लग गया। तो आप लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।